इतना बड़ा लोखंड पानी में क्या कर रहा है? तैर रहा है ना, ऊपर तैरता है। खुद का लोड तो लिया है, बस कम से कम 300-400 कंटेनर उसमें क्या करता है ना, रोड पे आप लोग ने देखा ना बड़े बड़े कंटेनर जाता है ऐसा, कम से कम 300-400 कंटेनर एक जहाज में क्या करता है, इतना लोड को उठाकर, इतना लोड उठाकर ये समुद्र के पानी में क्या करती है, तैरती है। इसको इज्जत कब तक है मालूम है? बोलिए, इसको इज्जत कब तक है? जोर से बोलो ना, नहीं समझ में नहीं, जब तक सही बोल रहे हैं लोग, सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा जहाज जो लोहे का है, इसके ऊपर 400-300 कंटेनर भरा हुआ है, इस जहाज को इज्जत कब तक है? एक की बात, जब तक ये पानी में क्या करता है, तैरता। एक छेद गिरना कितना, एक छेद आपका जहाज को क्या कर देगा, विश्वास का जीवन को इसी के साथ तुलना करके प्रभु का वचन में लिखा है, कितनों ने अपना विश्वास रूपी जहाज को कैसे डुबा दिया, कैसे डुबा दिया, वो छेद से क्या हुआ, इतने समय तक वो तैर क्यों पाया, ये संसार को नहीं बोलकर क्या कर रहा था, चल रहा था, क्या बोलकर चल रहा था, क्या बोलकर चल रहा था, मुझे संसार नहीं चाहिए। आज बपतिस्मा लेने वाले भाई तू भी ध्यान देना, बपतिस्मा लियो वे भी ध्यान देना, अगला हफ्ता प्रभु वचन है। जहाज तेरा इज्जत कब तक है, जब तक तू क्या बोलता है, मुझे कौन कौन नहीं चाहिए, संसार, हाँ पाप, शैतान, ये मेरे को नहीं चाहिए बोलकर जब तक चलेगा, तब तक तेरा क्या है, इज्जत है। जिस दिन छेद गिरा और अंदर क्या आया, वो पानी का मतलब संसार अंदर घुसा, तेरा इज्जत खत्म, तेरा विश्वास रूपी जहाज, अब इसको बचाना। अभी देखो, इसलिए बोलते बांध, कभी बांधते बांध, बांध मैं देना, बांध बांध का मंत्र, बांध का मंत्र दिला, हाँ बांध कभी बांधता, यायचे पानी जब वरती आला तेव्हा बांधायचे, बरोबर अगोदर बराय म्हणायची की तुम्ही काय म्हणता, बांध कधी बांधायचे, पाणी जेव्हा वरती येईल तेव्हा, हा पाणी यायच्या अगोदर काय बांधली पाहिजे, बांध, पाणी आल्यानंतर काय बांधू शकणार नाही, सही आहे गलत आहे, बराबर आहे। तो विश्वास रूपी जहाज को कितना खर्चा करके क्या किया है, किधर खड़ा किया, आपको मालूम है, आप ये सब वीडियो घर में जाकर देखी है, जहाज को किनारे में रखकर क्या किया जाता है, बना के रंगवा कर टेस्टिंग करके उसके बाद उसको पानी के अंदर क्या करते हैं, उतारते, उतारते समय कितने शान के साथ उतरते, जिन्होंने उनको बनाया खुशी मनाते हैं कि हमारा जहाज आज पानी में क्या करने जा रहा है, तैरने जा रहा है। लेकिन वो जहाज को कितना खर्चा करके बनाएगा, तो भी अगर भूल चूक से किसी इंजीनियर ने एक छेदा को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या हो जाएगा, अरबों रुपया पानी में, समझ में आ रहा है। तो हमारा विश्वास भी इतना क्या है, क्या है, बहुमूल्य है। अंदर क्या नहीं घुसना चाहिए, क्या नहीं घुसना चाहिए, संसार का कोई भी बात, हल्की सी भी हम बोलेंगे छोटी, इतना इतना चलता है, इतना बोल सकते हैं। अभी हम लोग घुटने डालेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे और आपका बीच में का विचार में हल्का सा भी क्या ना आ जाए, तीसरा पार्टी कौन है, वो संसार, ये अंदर क्या ना करे प्रवेश।